गुड मॉर्निंग गाइस, आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, नर्सिंग का एग्जाम हो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट बैटल है ये चारों जो मैंने लिखे हैं, और ये मैजिकल ट्रिक के साथ याद करेंगे, क्योंकि बैटल को याद करने से जो उसमें नंबर होते हैं वो सन होती है वो भूल जाते हैं। इसलिए मैं मैजिकल ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए। कौन सी ट्रिक है? 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो बाबर ने टोटली 5 साल तक रहा और 5ों में 4 तो इम्पोर्टेंट बैटल और 30 में डेथ हो गई। ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या है इसमें, सारी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा सिंह फिक्स रहता है। तो यहाँ से देखते हैं कि 26 में पानी पिया, जो प्रथम बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? पानी पिया 1526 में, और किन किन के मध्य हुआ था? बाबर के मध्य और इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, और ये क्या कौन सा हुआ था? मतलब यहां लिखा ना पानी पिया, मतलब प्रथम पानीपत का युद्ध। फिर आगे क्या लिखा? 27 में खाना खाया, मतलब 1527। तो क्या ये किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था राणा सांगा। राणा सांगा के मध्य हुआ था, और ये कहां हुआ था? खानवा का युद्ध। और खानवा कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है खानवा। और फिर क्या आगे क्या है कि 28 में चला गया, तो 1528 में, तो यहां से क्या चला गया? मतलब चंदेरी का युद्ध, और किन के मध्य हुआ? मेदिनी राय के मध्य। मेदिनी राय के मध्य, और कौन सा हुआ? चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी। फिर आगे क्या? 29 में घर गया, 1529 में क्या हुआ? घर गया, और ये किन के मध्य हुआ? 1500 महमूद लोदी के मध्य। महमूद लोदी के मध्य हुआ, और कौन सा हुआ? क्या लिखा हुआ यहाँ पे? 29 में घर गया, घर मतलब घाघरा का युद्ध। तो यहां से ये हो जाएगा, और 29 में मर गया। तो यहां से क्या हो गए? इसकी क्या हो गई? बाबर की डेथ हो गई, बाबर की डेथ हो गई यहां पे। ओके गाइस, तो यहां से जो बैटल हुए थे, ये प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत के आपको पता होगा कि पानीपत के 3 बैटल हुए थे। तो यहाँ से जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इम्पोर्टेंट बैटल और याद करेंगे, और ऐसे ट्रिक के साथ हम प्रत्येक वीडियो लेके आएंगे, प्रत्येक डे 1 बाय 1 करके, हम साइंस का हो, जियोग्राफी का हो, प्रत्येक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।